see you. हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, एआई भी बोलता है। भारत में जब बच्चा पैदा होता है तो वो आई बोलता है और एआई बोलता है। ये बातें प्रधानमंत्री ने माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट से कही। बिल ने प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू लिया और पीएम ने उनके साथ अपनी मन की बातें कही। Just at the beginning now of the third phase where these advances in artificial intelligence will come on top of that and make the value even better. आपने सही कहा, एआई का महत्व बहुत है और मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूँ हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते हैं आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, एआई भी बोलता है, वो इतना एडवांस हो गया है। ये बातचीत करीब 45 मिनट तक चली जिसमें G20 समिट, नमो ऐप, कोविन ऐप, नमो ड्रोन दीदी, जलवायु परिवर्तन जैसे तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। इंटरव्यू की शुरुआत हुई डिजिटल इनोवेशन की चर्चा के साथ। इंडोनेशिया में भी G20 में गया था तो दुनिया के सभी देशों की क्यूरियोसिटी ये थी कि आपने ये डिजिटल रिवॉल्यूशन कैसे लाया है। मेरे यहाँ एग्रीकल्चर में भी मैं बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला रहा हूँ और मैं माइंडसेट बदलना चाहता हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि एआई का इस्तेमाल आलसीपन से बचने के लिए नहीं करना है बल्कि हमें तो ChatGPT से लड़ाई लड़नी चाहिए। या एआई का उपयोग अपने आलसीपन को बचाने के लिए मैं करता हूँ कि भाई मुझे किसी को चिट्ठी लिखनी है, मैं ड्राफ्ट नहीं करूँगा, मैं ChatGPT को कह दूंगा कि मेरी चिट्ठी ड्राफ्ट करके दे दो, तो ये गलत रास्ता है। मुझे तो ChatGPT के साथ कंपटीशन करना चाहिए, मैंने उसके साथ लड़ाई लड़नी चाहिए। डिजिटल डिवाइड की बात करते हुए पीएम मोदी ने बिल गेट से भारतीय महिलाओं की तारीफ की, कहा कि हमारे देश की महिलाएं तुरंत नई चीजों को सीखती हैं, इसीलिए मैं उनके लिए नमो ड्रोन दीदी स्कीम लेकर आया हूं। महिलाएं तुरंत नई चीजों को स्वीकार करती है, ये मेरा अनुभव है मेरे देश में। मैंने एक कार्यक्रम लिया है नमो ड्रोन दीदी, उसके पीछे मेरे दो लक्ष्य हैं। एक तो मैं भारत के गांवों में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहूँ और वो भी एक गरीब परिवार से। एग्रीकल्चर को मैं आधुनिक बनाना, वैज्ञानिक बनाना, ये जरूरत मैं देखता हूँ और उसी लिए मैंने ड्रोन दीदी का और बहुत सक्सेसफुल चल रहा है। इस मुलाकात में सबसे खास रहा पीएम मोदी का बिल को नमो ऐप से रूबरू कराना। दोनों ने साथ में एक पिक्चर क्लिक की और फिर बिल ने कहा, वाओ, सो यू कैन सी, वाओ। इससे पहले जब बिल गेट्स भारत आए थे तब उन्होंने भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर खुलकर तारीफ की थी। दुनिया के सातवें सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स जब भी भारत आते हैं तो वे भारत की प्रोग्रेस पर अपना पक्ष जरूर रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।